सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम अशोक गहलोत इस दौरान बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभी जिस प्रकार से मैं बार बार बोलता हूं, देश में भय का, आतंक का, हिंसा का माहौल है, वो बंद होना चाहिए। अभी CBI, ED, इनकम टैक्स सबके ऊपर दबाव है, जुडिशी पर हस्तक्षेप हो रहा है। अभी हमने सुना है कि हमारे जो हाईकमांड का ऑफिस है AICC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, वहाँ पर जिस रूप में वहाँ के जो अकाउंट सेक्शन के जो अधिकारी है, कर्मचारी, उन सबके यहाँ छापेमारी हो रही है। अगर AICC के दफ्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर ये होगा, उनको पूछो आपके BJP का दफ्तर वहीं है, उनके कौन से कर्मचारी अधिकारी को खिलाफ में घर जा कर के छापेमारी हो रही है। डेमोक्रेसी का क्या होगा, ये चिंता का विषय बना हुआ देश के अंदर। डेमोक्रेसी को खतरा है, ये मैं कह सकता हूँ। और मोदी जी ये जो मैसेज राजनीति कर रहे हैं बार बार, वो एक सीमा तक ही काम आती है। आप आराम से अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, चाइना के प्रेसिडेंट मिलो, प्राइम मिनिस्टर मिलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 70 साल की जो कमाई है देश में कांग्रेस की, कायम रखा लोकतंत्र को, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर पाकिस्तान की तरह यहाँ लोकतंत्र कायम रहता नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बन नहीं पाते। ये उनको समझना चाहिए बार बार। और जो माहौल बना रखा है NDA गवर्नमेंट ने, उसका अंत आ गया है। लोग समझ गए हैं, लोग सड़कों पर उतरेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार छापेमारी आप टारगेट कर रहे हो, पूरा PMO मॉनिटरिंग कर रहा है पूरे देश के अंदर, चुन चुन के टारगेट बनाए जा रहे लोगों को, और आज डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है। अब जब मोदी जी सफाई करे या मैसेज देना चाहे, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो सभी लोग प्रेरित होते हैं। परंतु उसकी आड़ के अंदर, आप अगर मैसेज की राजनीति के आड़ में डेमोक्रेसी खत्म करोगे, तो देश की जनता बहुत समझदार है, वो उठ खड़ी होगी। ये मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा स्पष्ट मत है।